गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी न्यू यूट्यूबर्स हो और आप भी वीडियो अपलोड करते हो, अगर उसको सही तरीके से आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो उससे आपके जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत कम आते हैं। वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। गाइस, अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हो, जैसे आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आपको करना क्या है, वीडियो अपलोड कैसे करना है, तो वीडियो अपलोड करने का जो सही तरीका है गाइस, पहला पॉइंट है थंबनेल। ओके, थंबनेल आप बहुत यूनिक बनाइएगा। थंबनेल किस ऐप से मैं बनाती हूँ वो ऐप मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। मैं इस ऐप से अपना थंबनेल बनाती हूँ गाइस। दूसरा है टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए? टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोग को अट्रैक्टिव करे एंड सर्च इंजन में आए। डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? जैसे कि जिस पर्पस से आपने वीडियो बनाया है, जैसे कुकिंग का वीडियो बनाया है, तो जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। और उसके बाद जो टाइटल है, जो टाइटल में आप, जैसे आपने कुकिंग का बनाया है वो लिखिए, उसी चीज़ को कॉपी प्लस पेस्ट करके आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए। और उसके बाद टैग की बारी आई। टैग आप जैसे जो सर्च इंजन में टैग आते हैं वो लिखिए। गाइस, सर्च इंजन में टैग कौन से आते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है और प्लस टाइटल में आपको क्या लिखना है और हैश टैग कौन से लगाने हैं, तो ये चीज़ आपको गूगल से मिल जाएगी या क्रोम से मिल जाएगी ईजिली। और गाइस, अभी हम करते कैसे हैं गाइस, आप स्क्रीन पे देखिएगा इस तरह से हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। करना क्या है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल को ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग YT स्टूडियो को ओपन करेंगे। उसके बाद जो हमने एक वीडियो बना के रखा है उसको प्लस ऊपर प्लस पे क्लिक करने के बाद हमने जो भी वीडियो एडिट करके रखा है उस वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके, जैसे उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें थंबनेल जो आपने बना के थंबनेल रखा है उसको, थंबनेल को हम यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हम थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ थंबनेल लगाएंगे जो भी आपने बना के रखा हो। अगर आपको थंबनेल नहीं बनाना आता है तो मैं यहाँ पे जिस चीज़ से थंबनेल जिस ऐप से बनाती हूँ वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। ओके, फिर उसके बाद हमने थंबनेल, अब आया टाइटल की बारी। टाइटल की बारी क्या है गाइस, उसके बाद हम टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब टाइटल पे हमें लिखना क्या है, जिस पर्पस से आपने अपना वीडियो बनाया है, जिस भी चीज़ के लिए, जैसे कि टेक का बनाया है या कुकिंग का बनाया है या आपने डांसिंग का बनाया है या किसी और पर्पस से किसी और चीज़ का बनाया है, तो हमें क्या टाइटल में वही चीज़ डालनी है जो हमने जिस चीज़ का वीडियो बनाया। अब गाइस क्या करना है, जैसे मैंने वीडियो बनाया है 500 सब्सक्राइबर में। ओके, 500 सब्सक्राइबर वालों के लिए बड़ा धमाका, जैसे उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओके, जैसे मैंने इसमें डाल दिया, बालों के लिए होगी बल्ले बल्ले। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, मेरा टाइटल भी पड़ गया, अब आई डिस्क्रिप्शन। हाँ, टाइटल जब भी आप डालो प्लस उसको हिंदी में भी डालो और इंग्लिश में भी डालो। ओके, जैसे आप हिंदी और इंग्लिश में डालते हो तो उसके बाद ये होता है सर्च इंजन में आने के लिए बहुत बेस्ट रहता है। जैसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालते हो तो लोग हर टाइप के होते हैं, जैसे हिंदी में भी सर्च करते हैं प्लस इंग्लिश में भी सर्च करते हैं। ओके, तो उसके बाद आप इसी तरह सर्च इंजन में आपका जो वीडियो आपने डाला है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, हमें वही चीज़ डालनी है डिस्क्रिप्शन में, बट उसके पहले हम अनलिस्टेड कर देंगे अपने वीडियो को, क्योंकि अगर पब्लिश रहेगा हो सकता है धोखे में क्लिक हो जाए और वो पब्लिश हो जाए, बट उसको अनलिस्टेड करके ही आप कुछ भी करिएगा। तो गाइस, मैंने अनलिस्टेड कर दिया है। उसके बाद अब हम डालते हैं
जैसे कमेंट बॉक्स अगर आपका ऑफ है तो उसको प्लीज पहले ऑन कर लीजिए। जैसे अगर जैसे कमेंट बॉक्स किसी का ऑफ होता है तो उसको ऑन कर लीजिए, तो ऐसे नोटिफिकेशन सबके पास आराम से पहुंच जाता है। और अगर कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है तो बहुत कम लोगों के पास आपका वीडियो जाता है। तो गाइस उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये है कि सब फिर उसके बाद हम जाएंगे यूट्यूब में। यूट्यूब में हमें करना क्या है, हमें सर्च करना है। यूट्यूब में हमें क्या सर्च करना है, जैसे कि आपने जिस पर्पज़ से वीडियो डाला, ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने 500 सब्सक्राइबर की होगी बल्ले बल्ले मैंने ये डाला, तो मुझे सर्च क्या करना है, यूट्यूब न्यू अपडेट। ओके, जब मैंने सर्च किया यूट्यूब न्यू अपडेट तो उसमें कितने सारे चीज़ें खुल के आई हैं, यूट्यूब न्यू अपडेट, यूट्यूब न्यू अपडेट 2024, यूट्यूब न्यू अपडेट, तो इस तरह से बहुत सारी यूट्यूब न्यू अपडेट टुडे, ऐसे करके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन के लिए आपको चीज़ें मिल गई जो आपको डालनी है। ओके, फिर उसके बाद मुझे करना क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। गाइस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद जैसे कि कभी कभी होता है ना, लिखने में टाइम लगता है, आप इसको जैसे लिखोगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा, तो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद हम जाएंगे एक ऐप में, तो ऐप का नाम है कैम ट्रांसलेटर, CAM। ओके गाइस, ये जो ट्रांसलेटर है वो किसी के पास फिलहाल अभी तो होगा नहीं, अगर बाय चांस किसी 100 में से एक के पास हो तो अच्छा ही है उसके लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे प्ले स्टोर पे क्लिक। क्या करना है, हमें प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, वन सेकेंड, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे सर्च, और सर्च मुझे हम लोगों को क्या करना है, CAM ट्रांसलेटर। ओके, कैम ट्रांसलेटर, उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप से जैसे आप किसी चीज़ को स्क्रीनशॉट लेते हो, मेरा पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं क्या करूँगी, इसको स्क्रीनशॉट आपके पास ऊपर लगा दूंगी, वो आपके लिए इजी होगा ओपन करने के लिए, अगर बाय चांस आप उसको नहीं ध्यान दे पा रहे हो या नहीं प्ले स्टोर में सर्च कर पा रहे हो। तो गाइस मैंने इसको ओपन कर लिया, मेरे पास पहले से ही था, तो ये मेरा थोड़ा सा हो रहा है, अभी ऐड आ रहा है, आप भी ओपन करोगे तो आपके में ही भी ऐड आएगा। ओके, तो गाइस ये मैंने हो गया, फिर मुझे किस में क्लिक करना है, कैमरे में, जो कैमरा, उसके बाद गैलरी में जाना है। गैलरी में जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था यूट्यूब से उसको वहाँ पे अपलोड करना। अब मुझे क्या करना है, अपलोड करने के बाद ये खुल के आ गया, देखिए यूट्यूब का न्यू अपडेट सब खुल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रेस करना है, उसके बाद कॉपी करना है, कॉपी, मैंने पूरा इसको कॉपी कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, ऑल सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इस चीज़ को हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है, लिखना नहीं है, सिर्फ पेस्ट करना है गाइस। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने एट द डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो मैंने YT स्टूडियो ओपन कर लिया है, थोड़ा सा प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है। तो ये हो रहा है, तो उसके पहले भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए आप। तो YT स्टूडियो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके गाइस, हमने पेस्ट कर लिया है इसको। अब इस तरह से हम इसमें बहुत सारी, जैसे अब आई हैशटैग की बारी, हैशटैग में हमें क्या लिखना है, हैशटैग अनायसा इशिका, बट आपका जो चैनल का नेम हो आप हैशटैग उसका बना के आप अपने चैनल को अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके नेम हो चैनल का। उसके बाद हैशटैग यूट्यूबर, उसके बाद हम करेंगे हैशटैग यूट्यूब वीडियो। ओके,
हैशटैग सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये सर्च इंजन में आपका आएगा जो ऊपर शो करेगा, तो आपके जो चैनल की ग्रोथ है बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो इसलिए ये मेन पॉइंट होता है जो हैशटैग आप लगाते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप जितना अभी न्यू 2024 का जो भी अपडेट आया हुआ है आप उसको डिस्क्रिप्शन में डालते हो। तो इस तरह से यूट्यूब चैनल, ऐसे बहुत सारे हैशटैग आप लगा सकते हो, जितने आप चाहो उतने आप हैशटैग लगा सकते हो। मोनेटाइज कैसे कराएं या मोनेटाइज हैशटैग मोनेटाइज जिसमें करोड़ों व्यूज हैं या लाखों व्यूज हैं, जैसे 2000 या 200 में आप हैशटैग मत लगाइएगा, जैसे कि करोड़ों या लाखों में व्यू हैं या मिलियन में जो भी है व्यूज हैशटैग में, वही हैशटैग आप इसमें शो करिएगा। जैसे ट्रेंड हैशटैग ट्रेंडिंग में, इस तरह से हैशटैग 1.6 करोड़ ट्रेंडिंग वीडियो, हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियो 4000 वॉच आवर्स, हैशटैग 4000 वॉच आवर्स। ओके, तो गाइस इस तरह से हम जितने जैसे कि अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल में भी सर्च, क्रोम में भी सर्च कर सकते हो हैशटैग, प्लस यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, और बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी हैशटैग के थ्रू ऐड कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इससे जैसे जो उनके सब्सक्राइबर होंगे जब भी वो सर्च करेंगे, जैसे मनोज डे, हैशटैग मनोज डे आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया, तो उसके बाद करना क्या है, मैंने नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो, जिसका मन हो तो आप लिख सकते हो। तो जैसे मनोज डे के जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो जो यूट्यूबर्स मनोज डे के हैं वो आप जैसे कभी सर्च करेंगे तो मनोज डे के जस्ट नीचे आपका भी वीडियो शो होगा। बस तो हमें इसी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको हैशटैग लगा के आप अपने उसमें शो कर। अब आया एड टैग, एड टैग टैग में हमें क्या करना है, जैसे कि जो भी हमने वहां सर्च किया था यूट्यूब में, तो हमें क्या है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज। ओके, इस तरह से हमें सर्च करना है यूट्यूब यूट्यूब न्यू वीडियो मतलब अपडेट, न्यू अपडेट। ओके, जैसे इसी तरह से हमें टैग्स फिल कर लेना है अपना, जैसे आपको जितने माइंड में आ रहे हैं, जितने मेरे माइंड में आ रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसमें कर लूंगी यूट्यूब न्यू अपडेट। ओके, इस तरह से आप जितने आपके माइंड में आ रहे हैं आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रेंडिंग वीडियो, मोनेटाइज वीडियो, वायरल वीडियो, इस तरह से आप अपनी स्क्रीन में, मेरी स्क्रीन में देख सकते हो। आप अगर उससे कॉपी करना चाहते हो तो आप उससे भी कॉपी कर सकते हो, नो इशू। बट अगर अपने आपके भी माइंड में आ रहा है, हाँ गूगल में या यूट्यूब में या क्रोम में जो दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मतलब अपना टैग डाल सकते हो। टैग डालना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टैग डालना मत भूलिएगा। टैग अगर डालोगे तो इससे जैसे आपको कोई सर्च करेगा आप सर्च इंजन में आ जाओगे इजिली। तो अगर टैग जो जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो टैग नहीं डालते हैं, भूल जाते हैं मतलब, या डाल नहीं पाते हैं, जो भी रीजन आप सोच सकते हो गाइस, तो टैग जरूर डालना है। जैसे यूट्यूब ग्रो कैसे करें, ओके, तो इस गाइस अब आई कैटेगरी की बारी, ठीक है। कैटेगरी में आपको क्या डालना है, जिस पर्पस से आप जिस टाइप का वीडियो डाल रहे हो आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप कॉमेडी डाल रहे हो, एजुकेशन डाल रहे हो, या इंटरटेनमेंट डाल रहे हो, या फिल्म में एंड एनिमेशन डाल रहे हो, या गेमिंग का डाल रहे हो, हाउ टू एंड स्टाइलिश मतलब जैसे कि स्टाइलिश मेकअप का डाल रहे हो, या कुछ आप अपने चीज़ को दिखा रहे हो कुछ भी है, और म्यूजिक का डाल रहे हो, न्यूज़ का डाल रहे हो, इस तरह से आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। जिस टाइप का वीडियो है उसी टाइप का कैटेगरी सेलेक्ट करना, वरना आपको मोनेटाइज कराने में बहुत दिक्कत आएगी जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराने जाओगे। तो गाइस मेरा पूरा फिल हो गया है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए आपको इसमें से सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाय चांस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके इस बारे में पूछ सकते हो। तो गाइस ये पूरा फिल हो गया, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब हमें करना क्या है,
एक बार मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए जिस तरह से मैंने फिल किया हुआ है। और ये वीडियो बहुत आपके लिए बहुत यूजफुल होगा एंड हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है या इशू आ रहा है तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकती हो कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है या मुझे ये नहीं समझ में आया, तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो गाइस उस जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड पसीना देख रहे हैं आप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही है क्योंकि एसी भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसकी अपडेट आपके स्क्रीन पे शो करने लगेगी एंड नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो गाइस सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।